हाँ तो चलिए अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू टू। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने का मतलब होता है इसका खुद का खुद से मल्टीप्लाई कर देना। तो टू की पावर क्या आ जाएगा, ये टू मतलब आपने स्क्वायर कर दिए। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर और टू की पावर टू को आप क्या लिख देंगे, फोर, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो इसका मतलब जो ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को बोलते हैं कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। और जब मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया और मैंने जो ऑपरेटर यूज किया वो ऑपरेटर था स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर ऑपरेटर यूज किया तो लेफ्ट क्या बन गया, वाई स्क्वायर, और राइट में क्या बन गया, 4। सिमिलरली आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है लेट्स से वाई इक्वल टू 2। मैं बोलूंगा लेट्स से दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि y प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3। और 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। ठीक, कैसे आप जानते हैं 2 प्लस 3 5 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया इस इक्वेशन पे। और मैंने कौन सा ऑपरेशन किया, मैंने एडिशन ऑपरेशन किया। तो जो ये सिंबल है ये आपका ये हुआ ऑपरेटर, ये जो हुआ ये कौन हुआ, ऑपरेटर। मतलब जो एडिशन है ये कौन है, एक ऑपरेटर है, ये वाला ये एक ऑपरेटर है। ठीक, तो मैंने एक एडिशन का ऑपरेशन किया और जो मैंने ऑपरेटर यूज किया वो ये यूज किया। और इसका जो ऑपरेटर के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है 2 प्लस 3 वो कितना आता है, 5। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे कोई नंबर है लेट्स से 2, लेट्स से y इक्वल टू 2, मैं बोलूं कि दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो y अपॉन 4 आप इसको क्या लिखेंगे, 2y4। तो आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, आपका ऑपरेटर कौन है, दैट डिवीजन ऑपरेटर। ठीक, तो डिवीजन ऑपरेटर तो क्या आया, इसको सॉल्व करने में क्या आता है, 1/2। कैसे, आपको पता है कि ये 1/2 आता है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट, ये सब कौन है, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको अनजान नहीं लगते, आपको बहुत लगते हैं कि हाँ ये तो बड़ी आसान चीज है। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपको बचपन से आपने इनको देखा है, बचपन से नहीं मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से आपने इनको देखा है, तो ये आपको ऐसे आसान लगते, कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो मैथ्स में ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं, ये तो कुछ ही ऑपरेटर है जिनको आप जानते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप ऑपरेटर जानते जाएंगे। ठीक, तो एक ऑपरेटर होता है उसके बारे में आपको और बताता हूं। तो जो डिफरेंशिएशन है हम इसको इस ऑपरेटर की हेल्प से ही समझेंगे और बाद में इसका ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे। पहले हम ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर। तो जैसे आप इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, इसके दोनों साइड डिवाइड करते थे, दोनों साइड कुछ ऐड करते थे, दोनों साइड कुछ स्क्वायर करते थे, दोनों साइड कुछ ऐड करते थे, ऐसे ही दोनों साइड एक ऑपरेटर होता है जिस ऑपरेटर को बोलते हैं d अपॉन dx। तो आप क्या करें, इसके दोनों साइड में d अपॉन dx लगा दीजिए। इसका मतलब जो d अपॉन dx है ये कौन है, ये एक ऑपरेटर है, ये कौन है, एक ऑपरेटर है। तो इसके दोनों साइड में आप d by dx लगा दीजिए। जैसे आप दोनों साइड ऐड करते थे, दोनों साइड स्क्वायर करते थे, दोनों साइड रूट लेते थे, वैसे आप इसके दोनों साइड d by dx लगा दीजिए, तो y इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग सकता है क्योंकि आज आपने ये पहली बार देखा है। जैसे आपको ऐड, जैसे मैं आपको बोलूं कि y इक्वल टू 2, मैं आपसे बोलूं कि दोनों तरफ आप प्लस 2 कर दीजिए, तो आपको ये ऐड नहीं लगता क्योंकि आपको ये ऑड नहीं लगता। क्यों ऑड नहीं लगता, क्योंकि ये चीज आपने बहुत टाइम देखी है आज तक, तो आप इसके यूज टू हो गए, आपको ये बहुत नई अजीब बात नहीं लगती। तो ये आपको लगता है हाँ ठीक है आसान चीज है, ये भी आसान चीज है, आज आपने पहली बार देखा है इसलिए हो सकता है थोड़ा ऑड लगे, अदरवाइज ऑड नहीं लगेगा। अब जो ये वाली चीज है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। कौन सी टर्म का, ये इस टर्म का प्रोनाउंसिएशन है। ठीक, तो इसको लिखा है, तो इस वाले टर्म को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, इस y को यहां ऊपर लिख लेते हैं, बात एक ही है। आप इस y को यहां ऊपर ले जाके लिख रहे हैं ऐसे लिखें, बात एक ही है, बस एक लिखने का तरीका है। ठीक, तो ये क्या आया, ये आया d by dx of that x square। अब बात आती है ये कितना आएगा, तो मैं आपसे बोलूं 2 square कितना आएगा, बोलेंगे 4। मैं बोलूं 2 plus 2 कितना आएगा, बोलेंगे 4।
मैं बोलूं 2 प्लस 6 कितना आएगा, बोलेंगे 8। मैं बोलूं 10 बाई 2 कितना आएगा, 10 अपॉन 2 कितना आएगा, 5। कैसे पता? तो आपसे प्रूफ पूछ लिया जाता, प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन चीजों का प्रूफ है, आज तक आपने कभी प्रूफ नहीं देखा इन चीजों का। आज तक आपने ये हमेशा मान लिया कि 1 प्लस 1 2 होता है, आज तक आपने कभी इसका प्रूफ नहीं देखा। क्या इसका प्रूफ नहीं है? इसका प्रूफ है। तो हमने क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारे सिलेबस का नहीं। ठीक, तो सिमिलर स्टोरी, जैसे कि आप 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? बचपन में खूब पिटाई कर करके याद कराया था, जब गलत बोलते थे पिटाई होती थी तो याद हो गया। ठीक, तो आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, मैं कुछ नए फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, मतलब नए फॉर्मूले हैं और वो डिफरेंशियल के फॉर्मूले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, उसका एक तरीका होता है। क्या वो तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो कुछ फॉर्मूले हैं, सेट ऑफ फॉर्मूले, वो मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं। वो सेट ऑफ फॉर्मूले हैं और कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उनकी हेल्प से आप ऐसी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। ठीक, जैसे तो मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो अगेन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 का प्रूफ तो आपने अभी देखा भी नहीं और 12th में आप देखेंगे भी नहीं, लेकिन जो मैं लिखने जा रहा हूं इसका प्रूफ आप जरूर देखेंगे। कब? जब आपका 12th क्लास में आप डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसका प्रूफ देखेंगे। किसका? जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं। तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसे लिखा मिले कि d by dx of x की पावर n, और यहां पे n कौन है? n इज अ रियल नंबर, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एनीथिंग, दिस इज अ रियल नंबर। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है, n को आगे फेंक देते हैं, इसको ऐसे याद रखते हैं कि n को आगे फेंक दीजिए, x लिख दीजिए और n माइनस 1, ऐसे इसको याद रखते हैं। और ये n कौन है? रियल नंबर। तो जब भी कभी आपको ऐसा लिखा मिले आप इसको हमेशा ये लिख देना, मतलब इसका आंसर ये होता है। इसका प्रूफ आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 का प्रूफ 12th में भी नहीं पढ़ोगे, वो तो अब तक मानते आए हो, तो जब उसको मानते आए हो तो ये भी मानो। ठीक, सिमिलर स्टोरी d by dx ऑफ सम कांस्टेंट, ये होता है 0। ऐसे कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। और मैं आपको कुछ बताता हूं, लेट से d by dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लिखता हूं, साइन x, ये होता है आपका cos x, d by dx ऑफ cos x, ये होता है आपका माइनस साइन x, d by dx ऑफ tan x, ये होता है आपका sec स्क्वायर x। कैसे आया? तो प्रूफ देखोगे 12th में, अभी आपको याद करना है 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू तो याद है, उसमें तो कभी सवाल नहीं किया कि कहां से आया, तो इसको भी याद करो, प्रूफ देखोगे 12th में। 1 प्लस 1 को तो फिर भी प्रूफ नहीं देखोगे। तो d by dx ऑफ sec x, सॉरी cot x। अब देखिए ये फॉर्मूले हैं, एक दिन में याद नहीं होते, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो 2-3 दिन में जरूर याद हो जाते हैं। हम भी पढ़े थे पहली बार तो हमको भी ऐसे ही लगा था कैसे याद होंगे, पर हो जाते हैं। तो 2-3 दिन अगर मेहनत करेंगे आप डेली, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जैसे 3 बार मेडिसिन लेते हैं ना, ऐसे 3 बार देखिए, सुबह दोपहर शाम डेली 2-3 देखोगे सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तू बता इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे आपस में पूछोगे तो याद हो जाएंगे। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो कहीं ऐसा आपको लिखा मिल जाए तो उसका आंसर होता है सेक एक्स टेन एक्स। और कहीं आपको ऐसे लिखा मिल जाए कि d by dx of cosec x, तो ये आएगा माइनस ऑफ cot x cosec x। ठीक, अब देखिए एक चीज समझिए, आप इस सब में एक चीज नोटिस करिए, यहां पे x था, यहां भी x था, यहां पे ये तो कांस्टेंट था, यहां x 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 था, यहां x, x x x x x x, मतलब यहां अगर y होता यहां वाई होता तो यहां वाई होता, तो ये क्या होता वाई, यहां अगर वाई होता ये वाई होता तो ये भी वाई, मतलब ये जो दोनों चीजें वो एक जैसी होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूले वैलिड है। जैसे ऐसे मैं एक सैंपल लिख के दिखा देता हूं। ठीक, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई की पावर एन कितने आएगा, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल ये है वही वेरिएबल ये होना चाहिए। ठीक, अभी इसमें दो तीन रूल हैं, वो रूल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कभी आपको ऐसे लिखा मिले कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन का एडिशन लिखा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो डी बाई डी एक्स है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक,
सिमिलर स्टोरी अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस लिखा होता तो यहां पे हम क्या लिख देते, माइनस लिख देते। ठीक, तो ये आपका रूल है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। एक रूल और है जो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी अगर आपको ऐसा लिखा मिले कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट इंटू सम फंक्शन, तो ऐसे केस में क्या करिएगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब इसको ऐसे याद रखते हैं कि कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, इसको ऐसे याद रखते हैं कि डी बाई डी एक्स सबको बट जाता है। देखो इसको डी बाई डी एक्स मिल गया, इसको भी डी बाई डी एक्स मिल गया। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल है और ये सेट ऑफ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना जरूरी है। अच्छा, दो फॉर्मूले और मैं लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई वही एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.7, तो ई की पावर एक्स 2.7 आगे भी होती है लगभग वैल्यू 2.7, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है ई की पावर एक्स। और एक और होता है लॉग को आप जानते हो, तो नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। ऑन द बेस ई, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो इतनी सी बातें अगर आपको याद रहें तो आपका डिफरेंशिएशन का काम चल जाता है। अब देखिए मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको ये समझाता हूं। ठीक, तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं यहां पे। तो एग्जांपल देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सबसे एक आसान एग्जांपल लिया जाए कि मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5 और हमसे पूछा गया है कि फाइंड dy अपॉन dx। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि y स्क्वायर का आएगा तो क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। मैं आपसे पूछता कि y क्यूब कितना आएगा, दोनों तरफ पावर 3 लगा देते। मैं आपसे पूछता y की पावर 4 क्या आएगा, दोनों तरफ पावर 4 लगा देते। मैं आपसे पूछता रूट y कितना आएगा, दोनों तरफ क्या करते, आप स्क्वायर रूट ले लेते। ठीक, अब मैं आपसे पूछता dy dx कितना आएगा, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ dy dx लगा दीजिए। dy dx कौन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो दोनों तरफ जब मैं dy dx लगा दूंगा तो लेफ्ट में क्या बन गया, dy upon dx, और राइट में क्या बना, dy dx x की पावर 5। अब इसका फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में n कौन है, रियल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एनीथिंग, इमेजिनरी नहीं, रियल नंबर। तो ये क्या आएगा, 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 - 1, तो आंसर कितना आया इसका, 5x की पावर 4। ठीक, जिसमें और एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए dy dx ऑफ रूट एक्स कितना है, तो देखिए जो रूट एक्स है आप इसको ऐसे लिखो, अच्छा चलिए रूट, चलिए ठीक है आप इसको ऐसे लिखिए, ये रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 2। अब इसका क्या आंसर आएगा, तो फॉर्मूला में जाता हूं ना, दैट n कैन बी एनीथिंग एनी रियल नंबर, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 आगे कूद जाएगा, x की पावर 1/2 - 1, तो कितना आया 1/2 x की पावर -1/2। अब आप जानते हैं पावर -1/2 का, तो उसको अगर मैं नीचे लाके लिखूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 into 1/x की पावर 1/2, और x पावर 1/2 क्या हो जाएगा, रूट एक्स, तो ये आया 1/2 रूट एक्स। ठीक, ऐसे जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कि y equal to 1/x और मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड dy upon dx, तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, आप इसके दोनों साइड में dy dx लगा दीजिए, dy dx of y equal to dy dx of x की पावर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर ले जाए पावर -1। अब ये वाली चीज ऐसी चीज हो गई फिर से, तो इसमें क्या करेंगे, हम पावर को आगे फेंक देते हैं तो -1 आगे फेंक दिया, और ऊपर से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -1 तो पहले से था, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट और कर दीजिए, तो कितना आया -1 ऑफ x की पावर -2, तो कितना आया ये, यह -1/x². ठीक, अब सोचिए मान लो कभी आपके सामने ऐसे लिखा मिले कि y इक्वल टू लेट से 3x की पावर 1/3। ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि dy upon dx क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड dy upon dx। ठीक, तो फाइंड dy upon dx किया जाए तो क्या आएगा, तो ये आएगा dy upon dx, दोनों साइड dy dx लगा दिया मैंने, सिंपली क्या किया मैंने, दोनों तरफ dy dx लगा दिया। अब एक चीज जानते हैं आप, देखिए यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था कि सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन से बाहर फेंक देते हैं, तो ये 3 इनटू सम फंक्शन, x का ये फंक्शन है ना, क्या x की पावर 1/3, दैट इज अ रिलेशन ऑफ x, तो इसमें से क्या करेंगे हम, कांस्टेंट को बाहर फेंक देंगे, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दीजिए, बाकी डिटेल लिखिए।
अब ये वाली जो चीज होती है, इस चीज का तरीका जानते हैं, ये रहा फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो पावर आगे फेंक देते हैं, तो थ्री तो यहां पहले से है, इसमें अब इसका क्या करेंगे, तो इसकी 1/3 जो पावर है उसको आगे फेंक दीजिए, तो आगे पावर आगे 1/3, 3 पहले से मल्टीप्लाई में ना, तो 1/3 और आगे आगे मल्टीप्लाई में, और एक्स की पावर 1/3 - 1, तो क्या है आंसर, 3 से 3 कट जाएगा, यह आया एक्स की पावर ऑफ -2/3, ये कौन आया आपका dy/dx। ठीक, ऐसे ही कुछ फॉर्मूले कुछ एग्जांपल्स आपको मैं और करके दिखाता हूं, देखिएगा, जैसे आपको ऐसे बोला गया था कि जैसे मान लो ये है y = और लेट्स से 2x + 3x² + 7, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए dy/dx कितना आएगा, मतलब dy/dx of y ये कितना आएगा, ये आपसे मैं पूछता हूं। ठीक, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, यहां पे मैंने लिखा भी था कि dy/dx of y, या फिर इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं dy/dx, कैसे dy/dx, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, तो आपसे पूछता हूं, बताइए dy/dx कितना आएगा, तो आप इसके दोनों तरफ dy/dx लगा दीजिए, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा dy/dx of y, और राइट साइड में क्या बनेगा, देखिए मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, ये पूरी एक साथ चीज थी, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट ये बताएगा कि ये पूरी एक साथ चीज है, और उसके आगे लगा दिया dy/dx। अब आपको मैंने एक एडिशन वाला रूल बताया था कि dy/dx जब प्लस माइनस लगा तो सबको बट जाता है, तो dy/dx सबको बांट दीजिए, तो dy/dx of 2x + dy/dx of 3x² + dy/dx of 7। अब आगे आप क्या जानते हैं कि सम कांस्टेंट इनटू अगर फंक्शन लिखा हो तो कांस्टेंट भाग आ जाता है, तो 2 कांस्टेंट है 2 भाग आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो भाग आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फॉर्मूला है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो इसको याद रखो, एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1, कैसे मैं आपको यहां लॉजिकली बता देता हूं, लेकिन अगर आपको ये आपको हमेशा याद रखना, पावर 1 है तो कैसे करेंगे, 2 * पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 सबट्रैक्ट करेंगे प्लस 3, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1। तो देखिए इसको आगे फर्दर लिखा जाए तो फर्दर क्या आएगा, तो ये आएगा 2 2 * 1 2 हो जाएगा, और x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 2 * x की पावर 0 प्लस 3 * 2 कितना आ जाएगा 6 6 * x पावर 1, तो कितना लिखा जाएगा इसको, इसको लिखा जाएगा 2 + 6x, तो इसका आंसर कितना है dy/dx का 2 + 6x। तो देखिए आज आपके सामने पहली बार ये क्वेश्चन किया गया है, आपको ये चीज सिखाई गई है, तो इतना स्टेप्स हमें लगा है, जब हम इसको एकदम सीख जाएंगे ना, तो हम इसको देखते ही बोल देंगे किसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 + 6x, जैसे मैं देख के बोल सकता हूं इसको, आप भी बोल पाएंगे, एक बार आप सीख लेंगे फिर आप बोल पाएंगे। ठीक, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और कराता हूं, मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा होता कि y = √x + 3/√x, और मैं आपसे पूछता कि फाइंड dy/dx, इसको ऐसे dy/dx, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं dy/dx, उस प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, मतलब नाम है, आप कैसे कैसे बोलना है, तो इस तरह से 2-3 नाम, जैसे dy/dx, dy/dx, या फिर dy/dx of y, 3 नाम मैंने बताए, याद रखिएगा, मेनली 3 काम में 3 ही नाम है जो लिए जाते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड आउट dy/dx ये कितना आएगा, सॉल्यूशन आप क्या करिए, दोनों तरफ dy/dx लगा दीजिए, तो dy/dx of y = dy/dx of, इस पूरी चीज के सामने dy/dx लगाया, तो इस पूरी चीज को ऐसे लिख लीजिए। अब हम जानते हैं कि dy/dx अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर अंदर प्लस वगैरह लिखे हो तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, बीच में लगाया प्लस, तो dy/dx क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो लेफ्ट में आया dy/dx, राइट में आया dy/dx of, ये कितना आएगा 2 * x की पावर 1/2 प्लस dy/dx of, यह आया 3 * x की पावर -1/2, नीचे रूट एक्स है तो ऊपर क्या हो जाएगा पावर -1/2।
अब जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दीजिए, तो dy dx ऑफ x की पावर 1 by 2 प्लस 3 को बाहर फेंक दीजिए, dy dx ऑफ x की पावर माइनस 1 by 2। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, फॉर्मूले से उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 इनटू क्या आएगा 1 by 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 by 2 माइनस 1 प्लस यहां क्या आएगा 3, आगे कौन आएगा माइनस 1 by 2, x की पावर माइनस 1 by 2 माइनस 1, तो क्या आया 2 से 2 कटेगा तो x पावर क्या आया माइनस 1 by 2, क्या आया फिर ये आया माइनस 3 by 2 into x की पावर माइनस 3 by 2। आप चाहे तो उसको नीचे ले जाके लिख दें कि 1 अपॉन x की पावर 1 by 2 माइनस 3 by 2 अपॉन x की पावर 3 by 2।